मतलूब निर्दलीय पार्षद और अमीनुद्दीन पार्षद जिसको सरकार द्वारा नॉमिनेट किया है और यहाँ के माननीय विधायक ने उनको नॉमिनेट कराया है। मेरे को पता लगाया पूरी पूछताछ के बाद कि माननीय यहाँ के विधायक उन दोनों को बचा रहे। मैं माननीय विधायक को सलाह दूंगा कि आप जिन लोगों ने इतना बड़ा अपराध किया है कि भारत माता के नारे लगाने वाले, वंदे मातरम का उद्घोष करने वाले और जय श्री राम का उद्घोष करने वाले व्यक्तियों को पर पत्थर फेंका है, जिन्होंने षड्यंत्र रचा है, उनको कृपया MLA साहब आप बचाएं नहीं, उनको समर्पण करें, उनको पुलिस के सामने पेश करें और अगर उनको पेश नहीं किया गया तो मैं प्रशासन को विज्ञापन दूंगा जो पक्षपात हो रहा है उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को जो जुलूस में जा रहे थे और पत्थर फेंके जब भाग गए उनको पुलिस दोषी करार दे रही है। लेकिन जिन्होंने पत्थर इकट्ठा करके छत पर बड़ी मात्रा में इकट्ठे किए, पत्थर फेंके, दुकानों को आग के हवाले किया और सामान को लूट के ले गए, वो पुलिस की जानकारी में, वो नाम मेरी जानकारी में भी मैं दूंगा, उनको गिरफ्तार करने की मांग मैं राजस्थान की पुलिस से करता हूँ, SP साहब से करता हूँ। और अगर नहीं किया और कुछ FIR ऐसी हैं जिनको हमारी FIR को नुकसान को पुलिस दर्ज नहीं कर रही, उनको दर्ज कराएंगे। कार्रवाई नहीं की तो हो सकता है मैं स्कॉर्पियो में भी धरने पर बैठ जाऊँ। लोग पलायन करने को मजबूर हैं, लोगों ने अपनी जली हुई दुकान, मजबूर नहीं है, कर गए भय के कारण। और सामान लुटा हुआ 4-6 मेरे को जिनका सामान लुटा मेरे को मिले थे ढोली खार में, तो क्यों नहीं पुलिस उस सामान को दुकानदार को बर्बाद बरामद क्यों नहीं कर रही? ये पूरी तरह से तुष्टिकरण है, पक्षपात है कांग्रेस का, गहलोत सरकार का।